इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वेबिनार के माध्यम से वास्तव में आज का मेरा ये जो दिन है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। टुडे इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ऐसा मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि आज सिर्फ एक सिंगल डे में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिलेगा। और ये जो अवसर मुझे प्रदान किया है, ये सेफ शॉप की वजह से, हमारी ये कंपनी की वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं उन सभी डायरेक्टर्स का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया मंच प्रदान किया, आप लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका दिया। मेरा डायरेक्ट दिल से बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार है, इसमें मैं 3 बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, और मैं बता देना चाहता हूं कि इस वेबिनार के माध्यम से 3 ऐसी बातें हैं जो आपको मिलने वाली है, और मैं कुछ स्लाइड्स का उपयोग करके आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या आपको वास्तव में इस पूरे वेबिनार के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपके जिंदगी में निश्चित तौर पर आज के इस वेबिनार के माध्यम से मैं जो कुछ भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वैल्यू का एडिशन होने वाला है। और ये जो वैल्यू ऐड होने वाली है, ना केवल आपके सेफ शॉप लाइफ में, सेफ शॉप बिजनेस में आपको कामयाब बनाएगी, जिंदगी के हर पहलू में ये कहीं ना कहीं वैल्यू आपके काम आने वाली है। तो ये पहली चीज है जो आपको इस वेबिनार से मिलने वाली है। दूसरा, मैं ऐसी कुछ टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत अनस्टॉपेबल बिजनेस तैयार कर सकते हैं। जब हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, और कहीं ना कहीं हम चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बीच में रुक जाते हैं। तो आपको अनस्टॉपेबल कैसे बनना है, कुछ टेक्निक्स आपको मैं इस शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा इस प्रेजेंटेशन के लास्ट तक आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे, और मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि आप में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। आप इस बिजनेस में, ना केवल इस बिजनेस में, दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आप में पोटेंशियल है, आप में क्षमताएं हैं, ये आपको मैं विश्वास दिला दूंगा। तो अपने ऊपर कभी भी डाउट मत करना, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, उसको जरूर ध्यान से सुने और देखें। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस व्यक्ति को जो सामने आपके है फोटो के माध्यम से, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कौन है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये मेरा ही फोटो है, और ये फोटोग्राफ मैं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि आज लाखों लोग हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, और हो सकता है कि इस तरह की किसी स्थिति में आप हो जहां पर ये जो सामने चेहरा और मोहरा दिखाई दे रहा है, और आप शायद इस अवस्था में कहीं पर हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट में ग्रसित था, और ऐसा कुछ चलता रहा। मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, पढ़ाई को छोड़कर के मेरी हर चीज में मन लगता था, और कहीं ना कहीं मैं सप्लीमेंट्री से देकर के किसी भी तरीके से मैंने बीकॉम पास करने के बाद कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया, और फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस के पहले मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, जहां पर मैं लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन देता था, हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विसेज में डील किया करता था। बिजनेस ज्वाइन करने के पहले, सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन करने के पहले लगातार 18 साल तक मैं काम करता रहा, लेकिन 18 साल में कभी भी जिंदगी नहीं बदली। बस मैं काम करता था, मेहनत करता था, लेकिन मुझे उस मेहनत का उतना प्रतिफल नहीं मिल पाता था जितना मैं चाहता था। मैं बिजनेस करता रहा, आगे बढ़ता रहा, 1988 में जो बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन ये एक फोटोग्राफ आप देखिए, ये उस समय का फोटोग्राफ है जब मैंने सेफ शॉप जस्ट ज्वाइन किया ही था। उस समय हमारा ये रहन सहन था, इस तरीके से हम अपना
अपना बिजनेस इस लेवल पर रह करके मैंने स्टार्ट किया था। मुझे याद आ रहा है कि मैं कर्ज में था और किसी भी तरह से मेरी जिंदगी चल रही थी। मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैंने बड़े विश्वास के साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और सारी चीजों को आगे बढ़ाया। और आज मैं इस वेबिनार के माध्यम से आपके साथ में वो बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे मुझे कामयाबी मिली, और ना केवल मुझे कामयाबी मिली, मेरे बिजनेस में ऐसे बहुत सारी टीम लीडर्स हैं जिन्होंने भी उस मार्ग पे चल के, उस माइंड पावर का उपयोग करके अपनी जिंदगी को सफल बनाया। और मैं बस यही बता देना चाहता हूँ कि आज इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद में आपके पास में इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना बिलीव होगा कि आप इस बिजनेस में, ना केवल इस बिजनेस में, दुनिया का कोई भी काम आप ठान लेंगे तो आप कर पाएंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो पहले फोटोग्राफ में मेरे बच्चों को देखा था, मेरे बच्चे बहुत छोटे से थे जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से जो भी अर्निंग हुई, हमारे परिवार में खुशहाली आई। और आज मेरे दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडीज कर रहे हैं, यहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद में अभी वो हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। ये मेरा खुशहाल परिवार है जहाँ पर मेरे माता पिता हैं, मेरे बड़े भाई साहब भाभी जी, और साथ में मेरा छोटा भाई, घर के सारे बच्चे, और हम आज जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस दुनिया में संजय जैन के पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, लेकिन आज यदि गूगल पर संजय जैन टाइप करोगे तो शायद मेरा ही नाम सबसे पहले, मेरा ही फोटोग्राफ सबसे पहले आपको गूगल पर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि ये बिजनेस आपको किन बुलंदियों पर पहुंचाएगा, किस तरीके से आप कामयाब होंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन यदि आप काम करते हैं तो काम करते करते कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि कुछ ना कुछ रुकावट आती है, और रुकावट जो आती है चाहते हुए भी, दिल में इच्छा होती है कि हम काम करें, मेहनत करें, और मेहनत करके ये जो कुछ भी बताया जा रहा है हम भी उन बुलंदियों को हासिल करें, सपनों को अपने पूरा करें। लेकिन लाख मेहनत करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर कोई हमें आता है मोटिवेट करता है, फिर हम कुछ दिन काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो दो तरह की रुकावट हैं, दो तरह के बैरियर्स हैं हमारी लाइफ में जब हम काम करना शुरू करते हैं। एक वो जिनको तो हम पहचान सकते हैं, जो रियल में हैं, वास्तविक हैं, जैसे कि आप देखोगे कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है इस स्लाइड में, और सामने दीवाल है, और दीवाल जो है वो एक रियल बैरियर है। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे इस दीवाल को नहीं तोड़ सकते हो, ये रियलिस्टिक एक बैरियर है जो हमारे सामने होता है। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और बड़ी जिद के साथ में दिन रात एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो अनसीन, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट डालते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे बैरियर जो वास्तव में हमारे को बार बार काम करने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, यदि उनका आज हमें पता चल जाए तो कैसा रहेगा? आपको नहीं लगता है कि यदि पता चल जाएगा तो हम भी वो कामयाब हो सकते हैं और अनस्टॉपेबल इस बिजनेस में ध्यान दे करके उन ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं, जिनकी हम चाहत रखते हैं? तो आज हम उन्हीं कुछ बैरियर के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो बैरियर है, इसको देखने के पहले सबसे पहले हम दो कहानी के माध्यम से, दो छोटी छोटी कहानी है उनके माध्यम से आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुने तो आप रिलेट करेंगे कि वास्तव में क्या होता है और हम क्यों चाहते हुए भी स्टॉप कर जाते हैं और काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि रेगिस्तान में एक ऊंट का काफिला एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकला, लेकिन जाना कल सुबह जैसी सूरज निकलेगा हम आगे के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और उन्होंने रुकना तय कर दिया। लेकिन उसी काफिले में एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से बच्चे ने उस काफिले के सरदार को पूछा कि बापू बापू,
आज हमारे जो ऊंट हैं इनको यदि हम बांधेंगे नहीं, और यहाँ कहाँ बांधेंगे क्योंकि सारी जगह रेती रेत दिखाई दे रही है, हम खूंटा कहाँ गाड़ेंगे, और इन इनको यदि बांध कर नहीं रखा गया तो ये ऊंट तो हमारे रात भर में कहीं भी चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो उसके सरदार ने कुछ नहीं कहा, बोले इंतजार कर और देख और होता क्या है। और उसने एक्शन करते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के खूंटा बना करके उसको रेत में गाड़ दिया, और एक रस्सी का एक सिरा ऊंट के एक गर्दन में डाला और रस्सी का दूसरा सिरा उस खूंटे से ऐसे ही एक्शन करते हुए बांध दिया। फिर उसने सवाल किया कि बापू आपको नहीं लगता है कि ये ऊंट भाग जाएगा, इसको तो आपने ठीक ढंग से बांधा भी नहीं है। तो सरदार ने कहा कि बेटा मैं तेरी बात को समझ रहा हूं, और ये बात तू समझ ले कि ये ऊंट बंधा नहीं है, ये तुझे पता है, ये ऊंट बंधा नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन ये ऊंट बंधा नहीं है ये ऊंट को नहीं पता है, और ऊंट कितनी भी कोशिश कर लेगा तो ये जाएगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ और आपसे पूछता हूँ, क्या ऊंट जा नहीं सकता है? क्या ऊंट भाग नहीं सकता है? ऊंट चाहे तो भाग नहीं सकता है, लेकिन ऊंट भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब भी उसको बांधा गया था कहीं पर, तो उसको ये पता है कि जब भी इस एक्शन के साथ में मेरे गले में जब रस्सी डाली जाती है, तो मैंने कई बार इसको प्रयास करके कोशिश की थी, मैं छोड़ा नहीं पाया था, और आज वो चाहते हुए भी, मतलब उसके दिमाग में भी नहीं आता है कि ये रस्सी इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से बांधी गई है, वो प्रयास करे तो छोड़ भी सकता है। हमारे बीच में, हमारे मार्केटिंग की फील्ड में ऐसे बहुत सारे ऊंट हैं जो इस तरह से घूमते रहते हैं। वो चाहे तो कामयाब हो सकते हैं, वो चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये कहानी के माध्यम से जो मैंने बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से ऊंट के दिमाग को ब्लॉक हो गया था, उसी तरीके से कुछ कुछ चीजें ऐसे हमारे लाइफ में होती है जिसकी वजह से हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। हमारे में क्षमताएं होने के बावजूद भी, हमारे में पोटेंशियल होने के बावजूद भी, हम चाहकर भी उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। एक दूसरा हम एक और उदाहरण देखते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक गुब्बारे वाला कहीं पर सड़क पर खड़े होकर के, रोज उसका काम था किसी कॉलोनी में खड़े होकर के वो रोज गुब्बारे बेचा करता था। हरे, नीले, काले, पीले, सब तरह के गुब्बारे हुआ करते थे। बच्चे आते थे और उन गुब्बारों को खरीदा करते थे, लेकिन जैसे ही गुब्बारों की बिक्री कम होती थी तो वो गुब्बारे वाला हरे, नीले, काले, पीले सारे गुब्बारे को एक एक करके ऊपर छोड़ दिया करता था, और बच्चे आते थे और उनसे गुब्बारे लिया करते थे। इस तरह से सारा कुछ चल रहा था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास में जाता है और वो फिर पूछता है कि एक चीज बताइए, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? तो उस गुब्बारे बेचने वाले को समझ में आ गया कि इस बालक के मन में पता नहीं कौन सा प्रश्न है, चलो मैं इसका जवाब देता हूँ। और होता है कि गुब्बारा जाएगा कि नहीं जाएगा, न कि कलर से। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, इस बात से हमें डिसीजन, इस बात से हमारी आगे की लाइफ तय होती है कि हम लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, हम छोटे हैं कि बड़े हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं, हम हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। हमने ऊंट के मामले में भी देखा कि ऊंट का कहीं ना कहीं ब्लॉक था माइंड, और यहाँ पर भी हमने देखा कि बच्चा कहीं ना कहीं बचपन में ही कुछ चीजें अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है और उसी तरीके से लाइफ में आगे व्यवहार किया करता है। और यही कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। मैं काम तो करना चाहता हूं मगर मुझे बोलना नहीं आता, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़े लिखे लोग ही जो है जो जीवन में कामयाब होते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं गांव में रहता हूं, मैं गरीब हूं, मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे में आत्मविश्वास नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है, बिजनेस नहीं किया है, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मेरे फेल हो गया तो क्या होगा, मुझे इस तरीके से प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, इस तरह की पता नहीं कितनी सारी बातें हैं जो किसी व्यक्ति के दिमाग में स्टोर रहती है।
और वो चाहकर भी, ये सेल्फ इमेज जो है कहीं ना कहीं बन जाती है, वो चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाता है। और इनसे बाहर निकलना हो तो मार्केट में या इन चीजों से बाहर आने के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिनका लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। नंबर पहली चीज है कि इस तरह के लोगों को जो बार बार रुक जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों को कुछ इस तरीके से लोगों के सामने कहते हैं ताकि वो मोटिवेट हो जाए और काम करने के लिए काम करना स्वीकार कर ले। तो एक होता है मोटिवेशन, दूसरा होता है नॉलेज और टेक्निक। तो मोटिवेशन का जो इस्तेमाल होता है, मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन टाइमिंग कुछ समय के लिए तो काम करता है, कुछ समय के लिए तो हम मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है वो वास्तव में डीमोटिवेट भी हो सकता है, होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और बार बार मोटिवेट करके यदि हम काम करते हैं तो आप मुझे बताइए कि मोटिवेटेड हमेशा रहना और सेल्फ मोटिवेटेड रहना ये ज्यादा अच्छा है, या फिर कोई इंसान हमारे सामने आए, हमारी जिंदगी में आए, हमें मोटिवेट करे, हमें कुछ चार शब्द बताए और इस तरीके से वो प्रेजेंट करे कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगता है कि नहीं मुझे काम करना चाहिए और बिल्कुल सही बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में ये जो कुछ भी है वो टेम्परेरी होता है। उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जो पेड़ होता है, पेड़ को यदि हमें पानी देना है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ देना ठीक रहेगा, हम पेड़ को पानी पत्तों में देंगे या जड़ों में देंगे? निश्चित तौर पर हमें जड़ों में देना होगा, लेकिन मोटिवेशन कुछ इस तरह से काम करता है कि वो पत्तों पे पानी दिया जाता है, जड़ों पर जहां प्रॉब्लम है वहां तक वो चीज पहुंच भी नहीं पाती है, उन चीजों को हम ठीक कर भी नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं पत्तों को पानी देते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर में जो ब्लॉकेज बना हुआ है उसको निकालने की हम कोशिश नहीं करते हैं। और आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं, और ये ब्लॉक एक बार बन गए तो इनको निकालना बहुत मुश्किल है जब तक हमें टेक्निक पता ना हो। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सेफ शॉक कंपनी का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, इतना बढ़िया हमें मौका दिया कि इतने बलून लगे हुए लटके हुए, चार दिन के बाद में, दो दिन के बाद में, छह घंटे के बाद में वो बलून सेकंड जो पोजीशन है उसमें अपने आप आ जाता है। और हमारी जिंदगी में भी ऐसी होता है कि जब हम किसी का सेमिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं तो एकदम से हमारे में आग पैदा होती है, काम करने की इच्छा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद में हम वापस से उस स्थिति में जाते हैं और जहां से हमने चलना शुरू किया था। हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में जड़ कहां पर है और हमें क्या करने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं कि मोटिवेशन में क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति एक घोड़ा लेकर के सड़क पर जा रहा था और घोड़े पर वो बैठता था, आगे बढ़ता था, फिर थोड़ी देर उतरता था, डांस करता था उसके सामने, और फिर घोड़े पर बैठता था, फिर आगे बढ़ता था, घोड़ा थोड़ी दूर जाता था, रुक जाता था, फिर वो व्यक्ति नीचे उतरता था और फिर वो डांस करना शुरू करता था, डांस करता था, घोड़े पर बैठता था, ये कई 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 काफी देर से वो इसी तरीके से काम चल रहा था। कुछ व्यक्ति थे जो खड़े होकर के उसकी इस हरकत को देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा कि भाई ये क्या बात है कि तुम थोड़ी थोड़ी देर में घोड़े से उतरते हो, डांस करते हो, फिर चढ़ जाते हो, फिर डांस करते हो, फिर चढ़ जाते हो, तो ये क्या माजरा क्या है? बोले कि साहब मुझे अपने घर जाना है और ये जो घोड़ा है ये जब तक डांस नहीं करते हैं ये आगे नहीं बढ़ता है। तो भैया ऐसा क्यों है? तो बोले इसको आदत लग गई है और ये बारात वाला घोड़ा है, ये बारात में चलता है और जब हम इसके सामने बैठ करके डांस करते हैं तब इसको समझ में आता है कि आगे चलना है, इसकी आदत इतने दिनों में इतनी सारी बारातों को अटेंड करने के बाद में इसका माइंड कुछ इस तरीके से हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि शायद हमारी जिंदगी में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनती है, कोई आता है हमें मोटिवेट करता है, हम मोटिवेट होते हैं, फिर काम करने के लिए तैयारी करते हैं। हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है और हमें जड़ों में जाकर के देखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी बातें जो बार बार हमारे लिए रुकावट का काम करती है। तो वो नॉलेज है जो हमें लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान को, सॉरी, ईश्वर ने इंसान को, हर इंसान को बहुत ही एक ही तरीके से बनाया हुआ है। इंसान को बनाने में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया हुआ है। सारे इंसान के पास में एक ही क्षमता देकर देकर के भेजा है ऊपर वाले ने।
हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इसके पास में क्षमताएं ज्यादा है, इसके पास में कम है, किसी और के पास में ज्यादा है, ऐसा हम बिल्कुल भी कह नहीं सकते हैं। ऊपर वाले ने हर इंसान को बराबर रूप से सारी क्षमताओं को एक साथ देकर के भेजा हुआ है। आगे हम देखते हैं, जो मन है हमारा, हर इंसान के पास में मन है, हर इंसान के पास में दिमाग है, और उसी की वजह से, इस दिमाग की वजह से ही सारा काम होता है। और दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी का जो पार्ट है, पूरे बॉडी को चलाता है, डिसीजन लेता है, काम करने के लिए कोशिश करता है, जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं ये दिमाग लेता है, और दिमाग हर इंसान के पास में है। और ये बात वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल साबित है कि किसी भी आदमी का दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता है, हर आदमी का दिमाग एक सा होता है। फिर इतना फर्क क्यों पैदा होता है, तो हमें थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में, हमारा जो बॉडी है उसमें जो मन है, उस मन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम चेतन मन कहते हैं, और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये दो माइंड है जो काम किया करते हैं। यदि दोनों माइंड के बारे में यदि हम बात करें, तो जो है वो अपने जीवन में लेकर के आ सकता है, कितने भी इन्वेंशन कर सकता है, खोजे कर सकता है, दुनिया की सारी चीजें इसी मन के माध्यम से होती है, इसी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड बनता कैसे, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, इस दुनिया में आने के बाद में, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के आज तक, हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हुआ है, वो सारा का सारा जो है हमारे लाइफ में घटित होता है। और लगातार, ये देखिए, एक बच्चा है, इसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे बच्चे बिल्कुल बराबर होते हैं। उन बच्चे को दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी वो सीखेंगे, जो कुछ भी उनके दिमाग में जाएगा, इसी दुनिया के माध्यम से जाने वाला है। और उनके दिमाग में जो कुछ भी जाने वाला है, वो कुछ इनपुट जो डाला जाना है, वो कुछ इनपुट डिवाइसेस, जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से उस बच्चे के दिमाग में सारी बातें जाती हैं। जैसे ही ये बच्चा इस दुनिया में आता है, उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, और रिकॉर्डिंग जो चालू होती है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जाकर के सारी चीजें स्टोर होना शुरू हो जाती है। एक बच्चा जो कुछ भी देखेगा, जो कुछ भी घटना देखेगा, वो सारा कुछ उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो सुनेगा, वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टच करेगा, फील करेगा, वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टेस्ट करेगा और जो कुछ भी स्मेल करेगा, वो सारा कुछ हमारे दिमाग में जाकर के स्टोर होता चला जाता है। बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हमने सीखा है, यहीं पर सीखा है। यदि देखेंगे तो आपने अपने माता पिता से सीखा होगा, भाई बहन से सीखा होगा, पड़ोसियों से सीखा होगा, आपके जो टीचर्स हैं उनसे सीखा होगा, स्कूल में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, इनके माध्यम से आपने सीखा होगा, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सारी चीजें इस दुनिया में आने के बाद में आपने सीखी हुई है। और ये जितनी भी सीख आपने ली हुई है, वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होती चली जाती है। कॉन्शियस माइंड में इनिशियल जाकर के स्टोर होती है, और ये जो कुछ भी स्टोर हो रहा है, ये बहुत लिमिटेड है। और इसके कंपैरिजन में यदि हम देखेंगे, तो हमारे पास में ना केवल इस जन्म के, जन्म जन्मांतर के सारे रिकॉर्ड्स और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। और इसी वजह से दुनिया की जितनी भी खोजें हैं, जब भी आप भटकते हैं, आप दिमाग पे जोर डालते हैं, आप देखो आपका दिमाग चीजों को लाला करके देना शुरू करता है। जितने भी वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ, और आज आगे जाके कोरोना की वैक्सीन का भी इन्वेंशन होगा, तो किसी न किसी के दिमाग में सबसे पहले आना है, और जिसके भी दिमाग में आ जाएगा तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। और दिमाग हमारा इतना पावरफुल है कि आज तक दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने खोजे हुई है, वो सारी के सारी हमारे इस दिमाग के माध्यम से हुई है। तो ये बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, सारी चीजों को इसी दुनिया से सीखेगा, लेकिन इसके साथ में जो जो भी व्यवहार होगा, जो कुछ भी इसको निर्देश दिए जाएंगे,
पॉजिटिव या निगेटिव, वो सारा कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर वैसे ही वैसा बिहेव करता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के घरों में जब बच्चा काम नहीं करता तो उसको पिटाई भी करते हैं, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, और कई बार इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं कि ये लड़का अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा ही है, इसकी तो बुद्धि बहुत कम है, ये कुछ नहीं कर सकता है, और कई बार करने की कोशिश करता है। अभी आप देखिए, आपने कोई काम किया था, आपको किसी ने डांट लगा दी, किसी ने रोक दिया, और किसी ने आपको जलील कर दिया कि इस तरह से काम किया जाता है, ये कोई काम करने का तरीका है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी तो बुद्धि बहुत कम है, ऐसा करके कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम होते चले जाते हैं। और बचपन में ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है हमारे प्रति, तो हम अपने आप को वैसा 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 फील करने लगते हैं। आज जबकि बचपन में वो सारी चीजें चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको वो आज याद है कि नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग, जैसा मैंने बताया कि सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट उन चीजों को वापस निकाल के लेके आता है, कंपेयर करता है, और आप उसको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, इस तरीके से ये सारा का सारा व्यवहार चला करता है। आपने जो कुछ भी खाया, आप पहली बार जब इस दुनिया में आए थे, आपको पता नहीं था कि इसको बनाना बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको रोटी बोलते हैं, इसको दाल बोलते हैं, सारा कुछ आपने इसी दुनिया में सीखा हुआ है। और जो कुछ भी आपने इस दुनिया में सीखा हुआ है, जब भी वो चीज आपके पास में लाई जाती है, जैसे मैं मान लो ये लेकर के आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये क्या है, तो आपका दिमाग तुरंत फटा पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट वो आपको आंसर देता है कि ये पेन है, ये रिमोट कंट्रोल है, या कोई भी चीज लेकर के आऊंगा, क्योंकि बचपन में जब हम पैदा हुए थे हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो गई है। और जब हम किसी चीज को देखते हैं, तुरंत हमारा वो दिमाग है हमको ला करके उपस्थित करके लाके दे देता है। अब एक और बिहेवियर है, इस तरह से सारी चीजें हमारे दिमाग में जाती जाती है, जो कुछ भी हम देखेंगे, जो कुछ भी हम सुनेंगे, जो कुछ भी हमारे साथ में व्यवहार होगा, सारी घटनाएं हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। अब थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की जरूरत है, डॉट में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि बचपन में यदि आप स्कूल में थे, आपको स्कूल में निर्देश मिला कि आज आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको ऐसे लिख के लाना है, उसको आपको बोलना है, या कोई और एक्ट करने के लिए आपको दिया गया, लेकिन आप बच्चे थे, आपको नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, आपने कोशिश की लेकिन लोगों ने मजाक उड़ा दिया, आपको कोई सवाल दिया गया, आपने हल करने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए, आपको फिर उपहास उड़ा दिया गया, आपको पनिशमेंट दे दिया गया, तो वो छोटा सा मन जो जो भी जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, वो स्टोर करता चला जाता है, और हमारा दिमाग ऊपर वाले ने हमेशा हमको जो एक बहुत बढ़िया एक नियामत दी हुई है कि हर इंसान हमेशा खुशी के लिए ही पैदा हुआ है, उसको जो चीजें खुश रहेगी, आपका दिमाग उस तरफ ही वो आपको लेकर के जाने वाला है, जिसमें आपको दुख मिलेगा वो काम से वो दिमाग आपको हटाने की कोशिश करेगा और ऐसी जगह लेकर के जाएगा जहां आपको खुशी मिले। अभी होता क्या है कि बार बार आपके जीवन में इस तरह के सर्कमस्टांसेस आए तो आपके दिमाग में ये बैठ गया कि इनसे खुशी नहीं मिलती है, इनसे जलील होना पड़ता है, इनसे ये तकलीफ होती है, उनसे वो होता है, ऐसा करने से तो मेरे साथ में लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आज जब ये व्यवहार आप करते हो तो आपका दिमाग उस चीज से हटाने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग में दो चीज और है कि वो पेन और प्लेजर की भाषा को समझता है। हमारे दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो लिम्बिक सिस्टम का काम होता है कि जितने भी इमोशंस बन रहे हैं उनको वो चेक करे कि वास्तव में वो जो इमोशन है वो खुशी देने वाला, टीवी लगी हुई है टीवी देखने के लिए, तो वो बच्चा कभी पढ़ना नहीं चाहेगा, वो बच्चा हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, टीवी देखने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर ने हमारे दिमाग को प्लेजर के लिए बनाया हुआ है। पढ़ने में चूंकि कोशिश की होगी, उसको डांट लगी होगी, टीचर ने पता नहीं क्या क्या बोला होगा और उसको जलील हुआ होगा, इसको ईगो हर्ट हुआ होगा, तो वो उस चीज से दिमाग कैसे भी करके वो भागने की कोशिश करेगा और क्या करने की कोशिश करेगा, जिस चीज में आनंद मिलता है वो उसमें लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब कभी भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक आदमी के प्रेजेंटेशन देना, बिजनेस प्लान देना, उसको मतलब हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं कि बचपन में हो सकता है कि आपने कभी किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए खड़े होंगे और आपने देने की कोशिश की होगी
और लेकिन जब आप देने की कोशिश करते हो प्रेजेंटेशन, तो आपको पुरानी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत फास्ट सारी चीजें कर लेता है, कंप्यूटर से फास्ट हमारा दिमाग वर्क करता है, और वो तुरंत ला करके बता देता है कि हाँ इस काम में आपको तकलीफ हुई थी, आपके बस का नहीं है ये काम, आप नहीं कर पाओगे, और आप चाह करके भी वो काम नहीं करते, और आपका माइंड एस्केप करने की कोशिश करता है, बहाने बनाने की कोशिश करता है। आप लाइन के फोन आते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, आपको लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे आपको और भी कोई काम बात हो, जितने भी ऐसे काम हैं जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बताए जाते हैं, आपको जब आपकी अपलाइन बताती है तो आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि उनको करने से आपको पेन होता है, आपको आनंद नहीं आता है, आपको तकलीफ होती है, और वो तकलीफ आपको पता है क्यों, क्योंकि आप यदि करोगे तो लोग आपको बोलेंगे, अपलाइन बोलेगी, लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सब कुछ बैकअप द माइंड सारा कुछ चलता रहता है, आप प्रयास करके भी उस काम को करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, क्यों, क्योंकि उन चीजों में आपको आनंद नहीं मिला था। जब आपने प्लान देखा है आपको रिजेक्शन मिला, जब आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेने की बारी आई तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तो जब इस तरह के रिजेक्शन मिलते हैं तो हम उससे फिर एस्केप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे इसी बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको प्लान दिखाने में आनंद आता है, रात में 2 बजे भी उठा करके बोलेंगे कि आपको प्लान दिखाना है तो बहुत ही आनंद के साथ में, प्लेजर के साथ में पूरे प्लान को शो करते हैं, सारी एक्टिविटीज को करते हैं। शुरू शुरू में मुझे भी और नीचे जितने लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं सबके साथ में इसी इस तरह की स्थिति थी, लेकिन जो पेन था वो प्लेजर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पेन को प्लेजर में, पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर है, जिसकी वजह से आप में प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग के अंदर जो चीजें आपने अपने प्रति बना करके रखी हुई है उसमें प्रॉब्लम है। तो अब इससे दूर कैसे होंगे, इससे बाहर कैसे आएंगे, तो मैं आपको वो टेक्निक भी देने वाला हूं, मैंने आपको वादा किया था कि वो ऐसी टेक्निक दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जिंदगी के जितने भी काम है, आपको काम इस बिजनेस की बात करते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस को करने के लिए कुछ सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज है जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है बार बार, और जब हम उन एक्टिविटीज को दिल से अच्छे से करते हैं तो हम कामयाब होते चले जाते हैं। और मैं एक चीज आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो कामयाब इंसान है ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग तरीके का काम करते हैं, कुछ स्पेशल काम करते हैं, और जो फेलियर लोग हैं कुछ अलग तरीके के काम करते हैं। काम जो होता है वो काम होता है, वही छोटे छोटे काम को कंसिस्टेंसी के साथ में जब कोई इंसान करता है तो वो सफल हो जाता है, और जब कोई इंसान काम को करता है और करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वो आदमी अनसक्सेसफुल होता है, फेलियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको अपने दिमाग में ये बात बैठाना है कि इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी काम में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है आपको, कि आपका जो माइंड सेट जो बचपन में किसी किसी वजह से प्रोग्राम्ड हो गया है उसको ठीक करने के लिए ये एक जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करें। करना क्या पड़ेगा आपको, जब भी, चूंकि मैं इस बिजनेस की बात बता रहा हूं, इस बिजनेस में कामयाबी के गुण मैं सिखा रहा हूं, तो इस बिजनेस में आपकी अपलाइन के माध्यम से, आपके सिस्टम के माध्यम से, जो बने बनाए तरीके हैं उसके माध्यम से, जो कुछ भी बताया जाता है, चाहे वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की बात हो, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे आपकी ग्रुप मीटिंग की बात हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनको आपको करने के लिए कहा जाता है लेकिन आप चाह करके भी नहीं करते हैं, इनविटेशन है, प्लान शो करना है, आप चाह कर भी नहीं करते हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको उस काम को जिसको करना जरूरी है बिजनेस में काम करने के लिए, आपको लगातार 21 डेज विदाउट फेल आपको उस काम को लगातार करना है, आपको छोड़ना नहीं है, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। यदि काम 21 डेज में एक भी दिन का गैप आ गया तो फिर जब आप शुरू करोगे तो आपको वहीं से शुरू करना है पहला दिन। इस तरीके से 21 डेज लगातार रिपीट 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 आपको प्लान दिखाना, अच्छा लगे तब भी करना है, नहीं लगे तब भी करना है। रिकमेंडेड प्रोग्राम, रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम होता है, आपको पढ़ना अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको रोज करना, मतलब रोज करना है। और मैं आपको दोस्तों बिलीव दिलाता हूं कि यदि आपने 21 डेज के फॉर्मूला को आदतों के बदलाव के लिए या नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए
या जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको उनमें महारत हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप उस काम को 21 डेज तक लगातार करते रहिए करते रहिए करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा 21 डेज के बाद में जब 22nd डे आएगा तो आप उस काम को किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं, आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप किताब पढ़ने का आपको बोला जाता है जिससे मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, आपको टेक्निक्स मिलती है, लेकिन हम जी चुराते हैं, हमको लगता है कि डेज तक विदाउट फेल आपको रोज 4-5 पन्ने पढ़ने मतलब पढ़ने और जब ऐसा करेंगे तो 22nd डेज में आप बगैर किताब पढ़े रह नहीं पाओगे, ये मैं आपको दावा भी करता हूँ वादा भी करता हूँ कि ये टेक्निक आपके काम आने वाली है। हर 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 वो चीज जो आपको बताई जाती है और आप जी चुराते हैं, 21 डेज का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, इसका इस्तेमाल करें। एक बार में एक चीज के लिए भी कर सकते हैं और एक साथ 5 चीजों को भी एक साथ 21 डेज तक लगातार कर सकते हैं। यदि आपको कामयाबी जल्दी चाहिए तो 5 या 10 काम जो आपकी अपलाइन बताती है, जो आपके ग्रुप के लोग बताते हैं, जो सिस्टम बताता है, उनको आप नोट कर लीजिए और वो 5 काम 10 काम रोज करिए। आपको यदि बोला जाता है कि ट्रेनिंग आपको जरूर देखना है, मोटिवेशनल आपको हमारे जो कामयाब लीडर्स हैं उनके यूट्यूब पर वीडियोस देखने हैं, बुक्स पढ़नी है, जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है आपको 21 डेज तक करना है। अभी ये आपके हाथ में है कि आप एक काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 10 काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 5 काम को लेकर के 21 डेज उन 5 कामों को करते हो। यही एक ऐसा एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हमने किया, हमारे जितने भी कामयाब लीडर्स हैं उन्होंने किया और अपनी जिंदगियों को सफल बनाया। दोस्तों आधे घंटे में 40 मिनट में सारी चीजों को बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ये सारी चीजें होती है उसके जड़ में हमने जाकर के देखने की कोशिश की है। लेकिन मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के जो शोहरत हासिल की है, जो एक लेवल अचीव किया है, वास्तव में अब वो समय आ गया है जहां पर मैं इसको इस समाज को इस देश को इस दुनिया को लौटाना चाहता हूं। दोस्तों मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम दूंगा और आपसे विदा लूंगा। आप लोगों को इतने आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जहां पर भी हैं स्वस्थ रहें मस्त रहें, आपकी जिंदगी में आप हमेशा ऊंचाइयों को छुए, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।